दो बायोलॉजिकल फैक्ट को डिक्लेयर किया जा रहा है। फैक्ट नंबर वन, मशरूम से तैयार दवा वाम के उपचार में कारगर। एनोरेक्सिया जैसी डिजीज जिसमें वेट बढ़ने के कारण ह्यूमन बींग खाना पीना छोड़ देते हैं के ट्रीटमेंट में मशरूम से बनी दवा के सेवन से इस मेंटल प्रॉब्लम का ट्रीटमेंट पॉसिबल है। एनोरेक्सिया एक तरह का ईटिंग डिसऑर्डर है जिसमें वेट ना बढ़े इसीलिए लोग खाना पीना छोड़ देते हैं, क्योंकि इस बढ़ते बॉडी के वेट से गंभीर फिजिकल प्रॉब्लम हो सकती है। कई बार बॉडी के वेट को कम करने के लिए मैक्सिमम एक्सरसाइज करने लगते हैं जो ह्यूमन बॉडी के लिए डेंजरस हो सकता है, और आमतौर पर इसे मेंटल डिजीज कहा जाता है। इस डिसऑर्डर का फिजिकल और मेंटल दोनों लक्षण हो सकता है। पोषक तत्वों की कमी से मसल्स की कमी, टाइटनेस, वीकनेस, लो ब्लड प्रेशर या चक्कर की समस्या, हाथ पैर का ठंडा होना, बालों का झड़ना, अनिद्रा इत्यादि की कमी से यह डिजीज यानी कि एनोरेक्सिया उत्पन्न होता है। मशरूम में मौजूद सिलोसाइबिन नामक तत्व इस मेंटल डिजीज में काफ़ी कारगर हो सकते हैं। फैक्ट नंबर टू, आज के दुनिया में लोग बाइक चलाते हैं और हेलमेट का यूज करते हैं, लेकिन हेलमेट के कारण एयर फ्रैक्चर ट्रॉमा हो रहा है। 11 समय तक हेलमेट पहनने से बालों पर इसका बुरा असर पड़ रहा है क्योंकि एयर फ्रैक्चर हो रहा है, अर्थात एयर बीच से या जड़ के ऊपर से टूट रहे हैं। जो व्यक्ति टू व्हीलर से 40 किलोमीटर या उससे ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं उन्हें इन डिजीज का सामना करना पड़ रहा है। फ्रैक्चर की स्थिति में बीच या जड़ों से टूट जाते हैं, जबकि ट्रॉमा में चोट लगने से बाल तने से टूट जाते हैं। इस तरह की दिक्कतों वाले 80% मरीज ज़्यादातर उम्र 30 वर्ष से 45 वर्ष के बीच में है। तो इस प्रकार इस वीडियो में दो बायोलॉजिकल फैक्ट को डिक्लेयर किया गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।